धक्के देके बाहर मत निकल। कल की घटना है सर, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक व्यक्ति सिर्फ इस वजह से मर गया कि वो काउंटर पे खड़ा होके उसने पर्ची नहीं भरी। जरूरी है हो गया कि वो पर्ची ले। अमृतापूर्वक वार्तालाप हुआ है और कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आपको मौका इसलिए नहीं देंगे, हड़ताल करेंगे, उससे पहले हम थाने चले जाएंगे, हम खुद अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। नहीं कल एक मरीज को हॉस्पिटल लेकर आए जिसके सीने में दर्द था, उसकी पत्नी उसको लेकर आई, वो अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई सीधा इमरजेंसी में। तो वहां पर डॉक्टर ने ये कहा कि पहले आप पर्ची बना के लाओ काउंटर से, उसके बाद हम इस पेशेंट को देखेंगे। वो महिला बेचारी लाइन में लगी जिसमें उसको घंटा पौन घंटा घंटा भर करीब लग गया और उसके पति के सीने में दर्द हो रहा था और वो दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर को तरस नहीं आया कि हम उसको देख लें। उसके बाद ये स्थिति हुई कि वो पर्ची कटवाती, उससे पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर्ची इतनी आवश्यक हो गई, आदमी की जान से ज्यादा आवश्यक हो गई। अगर पर्ची कटवानी थी तो आप पहले पेशेंट को देख लेते, पर्ची बाद में उसके परिवारजन लेकर आ जाते। आज हमने कार्यवाहक अधीक्षक जी से मुलाकात करी, उनको हमने साफ कहा कि आप यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, परमानेंट व्यवस्था कीजिए कि कोई जो गंभीर मरीज आए उसको सबसे पहले देखा जाए। तो इन्होंने कहा आज या कल से हम ये व्यवस्था कर देंगे, जो भी गंभीर मरीज आएगा उनका कोई वार्ड नंबर 125 बताया है जहाँ पर हम मरीज को आते ही सबसे पहले देखेंगे और मैनुअल वहां पर हम पर्ची बना देंगे। दूसरी बात हमने करी है कि जिस डॉक्टर ने इस तरह का व्यवहार किया है मरीज के साथ, उस डॉक्टर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको निलंबित करना चाहिए। तो ये कार्यवाहक अधीक्षक है, इन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब और अधीक्षक साहब कल आ जाएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे।